हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, रैमको सिस्टम्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस कर तो ये एक इंटरनेशनल आईटी कंपनी है जो कि बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस कर तो 862 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। स्टॉक की पी यहाँ पे मेंशन नहीं है। ROCE, रिटर्न ऑन इक्विटी, लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 के क्वार्टर की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब मिलियंस पे दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 121 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 के क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 125.2 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 142.8 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की तो इनकम ग्रोथ नेगेटिव में जा ही चुकी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो टाइम के साथ साथ कंपनी की जो इनकम है वो भी कम हो रही है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो ये एक एंटायरली लॉस मेकिंग कंपनी है। जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ के आसपास की लॉस पोस्ट किया है। मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 26 करोड़ की लॉस पोस्ट किया था एंड जून 2021 के क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 8.7 करोड़ की लॉस पोस्ट किया था कंपनी ने। तो गाइस, अगेन कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही नेगेटिव में जा चुकी है, एंड उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो टाइम के साथ साथ कंपनी ज़्यादा लॉसेस प्रोवाइड करा रही है, एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस के वजह से हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। कंपनी की इनकम तो ग्रो कर नहीं रही है, लेकिन एक्सपेंसेस बराबर ग्रो कर रही है, इसीलिए प्रॉफिट में आप लोगों को इतना डीप देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अर्निंग पर शेयर की जो कंडीशन है वो भी सेम निकल के आ रही है। यह है जून 2022 की क्वार्टर की, यह है मार्च 2022 की क्वार्टर की एंड यह है जून 2021 की क्वार्टर की। तो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस दिया है। जून क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है एंड एक भी पॉइंट एक भी जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ नहीं दिखाई है। हर एक जगह पे चाहे वो प्रॉफिट हो, ईपीएस हो या तो फिर इनकम, कंपनी ने हर एक जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी रिड्यूस हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा रिड्यूस हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपेरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास, तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो काफ़ी बढ़िया है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 4 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 3 करोड़ की हो चुकी है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स, FIIs एंड DIIs तीनों ने ही सेलिंग करी है। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक ने सिर्फ और सिर्फ दो ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये दोनों कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रोक्सीमेटली 34% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूशन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं।
तो देखो गाइज, जून क्वार्टर लेके जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज्यादा वीक निकल के आई है। उसके साथ साथ बैलेंस शीट की हेल्थ एंड कैश फ्लोज की हेल्थ दोनों ही डिटोरिएट हुई है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस कंपनी में आप लोग पैसा लगाओ, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि कंपनी की जो जिस हिसाब से कंपनी फॉल कर रही है, कंपनी के जिस हिसाब से नंबर्स फॉल कर रही है, वो देख के तो मुझे यही लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में ये कंपनी चाहे कितनी भी रिकवरी दिखा दे, कंपनी बहुत बढ़िया रिटर्न नहीं जनरेट कर सकती है इन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। बाकी अगर रिस्क लेके जाना चाहते हो तो ये इंटायरली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। तो गाइस अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें, तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जिन लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है एंड जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है अप्रोक्सीमेटली 225 रुपए के प्राइस रेंज पे। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को इस प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो गाइस यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी इस रेंज पे ऑलमोस्ट 5-6 महीने से कंसोलिडेट कर रही है। तो वेट फॉर दी ब्रेकआउट ऑफ दिस रेंज। अगर ये कंपनी 364 के ऊपर क्लोजिंग करती है तो इसके बाद आप लोग एक स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर दी टारगेट ऑफ 485.85 रुपीज एंड सेकेंड टारगेट होगा 685 रुपीज का अप्रोक्सीमेटली। बाकी अगर इसके बीच में भी आप लोग पैटर्न ट्रेड लेना चाहते हो तो ले सकते हो आवर्ली टाइम फ्रेम पे। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन ऑन वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।